Hello to everyone, welcome back to our channel. Today question is, a table top measure 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the table top? Table top का perimeter find करना है, तो यहाँ पे हमें length और breadth दी हुई है. That means ये कौन सी shape होगी? Rectangular. So length is equals to 2 meter 25 centimeter. इसको हम चेंज कर देंगे मीटर में, 2 मीटर ऑलरेडी है, 25 को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, मीटर में चेंज करने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर. तो 25 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे. उसके बाद 2 प्लस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे नीचे कितने जीरोज है, 2 जीरोज है, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट 0.25. इनको प्लस कर देंगे, प्लस कैसे करना है इनको, 2 और यहाँ पे हमें लिखना है 0.25, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट नहीं है तो हम उसको इस साइड लिखेंगे. तो ये हो जाएगा 2.25. ये आ गई लेंथ. उसके बाद ब्रेथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, 1 प्लस 50 को मीटर में चेंज करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 0.5. क्यों? क्योंकि जो नीचे 10 है तो हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1.5 मीटर. अब पेरीमीटर हमने निकालना है, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी. इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एल इज 2.25 प्लस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 इज 3, 3.5675 इज इक्वल्स टू 25. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 25 इज 10, 2 इज 14 प्लस 1 इज 15, 2 इज 6 प्लस 1 इज 7. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7.50. पीछे से स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट. तो हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया, 7.5 मीटर. इसको हम 7.5 भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट के बाद वाला जीरो नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है. तो ये आंसर कितना आ गया, 7.5 मीटर. आई होप इट विल क्लियर टू यू. थैंक यू.